नोनू की लास्ट ट्रेस लोकेशन तो यही है, इसका मतलब नोनू भी कहीं आसपास ही। नोनू रोके रणवीर, क्या कर रहे हो रणवीर? कमांडर सर। हाँ कमांडर सर कहाँ है? रणवीर कमांडर सर वो मूषक मानव और उसके साथियों को पकड़ने गए हैं। व्हाट? और हम लोग यहाँ पे? हमें वहां जाना चाहिए। रणवीर रिलैक्स, पहनो इसको। नो है तरीका भाई। रणवीर क्या? रणवीर रणवीर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू नीड रेस्ट। यू हैव टू गो। रणवीर स्टॉप इट। रणवीर नो, यू हैव टू गो। डॉक्टर डॉक्टर क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज रेस्ट कीजिए। डॉक्टर मुझे मुझे वहां कब कब रणवीर हेल्प मी। आर यू ओके? देखिए इन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा, प्लीज आप इन्हें आराम करने दीजिए। सच है ये आंखों का धोखा? हमारे इस धरती पर चूहों का इतना बड़ा साम्राज्य? विश्वास नहीं होता, लेकिन सबसे पहले मुझे नोनू को ढूंढना होगा। ये वायरस। कैसा वायरस? वायरस प्लेग का। अब मैं इसे डालूंगा इस मिसाइल के अंदर और फिर इस बटन को जैसे ही दबाऊंगा ये मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी और बूम और ये जाकर फट जाएगी शहर में और शहर में फटते ही इसके अंदर मौजूद सारे वायरस पूरे शहर में फैल जाएंगे और फिर तुम तो जानते हो कि कोई भी बीमारी हवा में बहुत तेजी से फैलती है और फिर फैलेगा महाविनाश, प्लेग का महाविनाश और सारे लोग मर जाएंगे। तेरा ये वायरस कुतर कुतर के सबको मार देगा। शाबाश, क्या चीज बनाई है तूने? इन इंसानों ने हमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया, अब हम इंसानों को खत्म कर देंगे। यही सही वक्त है इन इंसानों से अपना बदला पूरा करने का। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरा वायरस किस तरह से दुष्ट इंसानों को मारेगा, कैसे मारेगा। मैं अपनी उनकी मौत देखना चाहता हूँ अपने सामने। ये तुझे क्या हो गया?
गुच्चू, ये क्या हो गया गुच्चू? ये कल बहुत खतरनाक है, ये धीरे 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 मेरे पूरे पूरे शरीर को जला देगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं बच्चू, बच्चू आप कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है बच्चू। नहीं मेरे भाई, नहीं, मैं पहले ही अपने जुड़वा बेटों में से एक बेटा खो चुका हूँ, अब मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। तू यहीं रुक। तुम इंसान यहाँ भी पहुंच गए, कोई बात नहीं। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज। तुम यहाँ तो गए हो, लेकिन बाहर नहीं जाओ जाओ। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। कोई नहीं बचा पाएगा। प्लीज मुझे खोलो इसको। रोनू पीछे की तरफ। शाबाश मेरे भाई। मुझे तुम इंसान अपने आप को बहुत शातिर समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहोगे कर सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों इंसानों को मार रहे हो, क्या बिगाड़ा है इंसानों ने तुम्हारा, बोलो क्या बिगाड़ा है? मैं बताता हूँ क्या बिगाड़ा है। तुम लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम जंगलों में रहते थे, जमीन की नीचे की जड़े और सब्जियां खाकर जीते थे, लेकिन तुम लोगों ने ये जंगल भी काट दिए। तुम यहीं पे नहीं रुके, तुम लोगों ने अपना घर तो बना लिया, लेकिन हम लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। तुम इंसान यही नहीं रुके, तुमने फसलों पर कीटनाशक डाल दिए जिसके कारण मेरी प्रजाति मरने लगी, और तो और तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। चिट्टू, अरे चिट्टू वो देख चूहा है या आदमी का बच्चा? अगर हम इसे सर्कस में बेचेंगे बहुत पैसे कमाएंगे। चीज पे बेहोशी की दवा? सही समझा तू किट्टू। अच्छे खासे पैसे मिल जाते। पापा, पापा! देखो मोचू, मैं समझता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सारे इंसानों से बदला लेना शुरू कर दो, उन्हें मारना शुरू कर दो। बोलो मोचू, ये कहां का इंसाफ है? ये न्याय है, और आज तुम दोनों मेरा न्याय देखोगे कि आज मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, और तुम दोनों जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम लोगों को एहसास होगा कि बिना खाने के बिना लपने लोगों के जीवन जीवन नहीं होता। तुम लोगों ने मुझे तो दुख दिया है, आज मैं तुम लोगों को उस दुख से परिचित करवाऊंगा।
मोचू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम चल कुचू मेरे भाई। रुक जाओ मोचू। चल यहाँ से। रुक जाओ मोचू। रुक जाओ मोचू। जरूरी है, अगर वो यहाँ से बाहर निकल गए ना तो इस धरती से सारे इंसानों को खत्म कर देंगे। प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो मिट्टू, प्लीज। ओ मिट्टू, एक तुम ही हो जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। प्लीज मिट्टू, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। मिट्टू मत जाओ। मिट्टू प्लीज प्लीज हमें यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। मिट्टू मिट्टू प्लीज। थैंक यू सो मच, तुमने हमें यहाँ से रिहा करवा दिया। मिट्टू, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी वायरस की मिसाइल लेकर कहाँ पर गए? मिट्टू प्लीज प्लीज बता दो। मिट्टू सबकी जान खतरे में है, सारे इंसान मारे जाएंगे, प्लीज बताओ। ठीक है चल। अतानिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोचू और उसका भाई पूरे शहर को खत्म करना चाहते हैं। हाँ अतानिता, तुम हाई अथॉरिटी से कहकर पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित करवा दो। रेडियो और टेलीविजन पे अनाउंस करवा दो कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें और अपने घरों के खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें और हो सके तो मास्क भी पहन लें। बेटे होकर भी इंसानों का साथ दे रहे हो, भूल गए? इंसानों ने ही तुम्हारे जुड़वा भाई का खून किया था। पूछो, किसी एक की गलती की सजा तुम सबको नहीं दे सकते, ये बात तुम नहीं समझ पाए लेकिन तुम्हारा बेटा समझ गया, इसलिए वो हमारा साथ दे रहा है। देखो मूचू, मैं अब भी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। बात को समझने की कोशिश करो, हमारा साथ दो, बंद करो ये सब। गोचू, तुम शहर को निशाना बनाओ, मैं इसे देखता हूँ। नहीं गोचू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। Oh, my God.
आज तुम सब मरोगे, तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये कैसे हो सकता है? तुमने वायरस को निकाल दिया? तूने ऐसा क्यों किया? बेटे, मेरे मिट्टू का ख्याल रखना। लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हमें तुम्हारे पिताजी को मारना पड़ा। जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। देखो मिट्ठू, तुमने हमारी मदद करके ना सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि इस पूरे शहर को खत्म होने से रोका है। तुम बहुत बहादुर हो मिट्ठू, बहुत बहादुर हो।